यूपी के जौनपुर में अस्पताल का बेदर्द चेहरा सामने आया है। अब आरोप यह है कि गर्भवती महिला जब यहाँ पर पहुंची तो उसके पास आधार कार्ड नहीं था। अब अस्पताल की आप संवेदना कह सकते हैं कि इस तरीके से सामने आई है ये कि महिला को भर्ती करने से ही अस्पताल ने मना कर दिया। तो संवेदनहीन अस्पताल, संवेदनहीन प्रशासन यहाँ का, जिसने सुध नहीं ली। अस्पताल के गेट पर ही बिटिया को जन्म दिया इस माँ ने। वजह सिर्फ इतनी थी कि इस माँ के पास आधार कार्ड नहीं था मौजूद, और इसके बाद लोगों का हंगामा शुरू हुआ। तब जाकर अस्पताल ने महिला को भर्ती किया। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल ये कि क्या आधार इतना जरूरी हो गया है कि एक महिला दर्द से कराहती रहे है और सुध लेने वाला कोई नहीं, अस्पताल वालों का दिल नहीं पसीजा? बच्चा कहाँ हुआ था? रास्ते पे। नाम क्या है आपका? चंदा। तो हॉस्पिटल आई थी आप? हाँ। तो डॉक्टर क्या बोले? कह रहा था ले जाओ लकेर के। हाँ? कह रहा था लकेर ले जाओ बाहर। कहाँ है? क्यों? कह रहा था तो माँ ले जाना। कौन सी डिशन पे? जौनपुर। जौनपुर ले जाने के लिए बोल रहे थे? हाँ। कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा का पता नहीं हमें। अच्छा, तुमको जमीन पे लिटाया गया था? फर्श पे लिटाया गया। काफी देर तक वहीं पर महिला तड़पती रही। वो डॉक्टर और लेडी डॉक्टर दोनों खड़े थे, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। उसकी हम जांच करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? बयान लेंगे। अभी हम जांच करेंगे, जो भी दोषी अगर मिलेगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आप आश्वस्त।